हेलो हैदराबादी पीपल। तो आज हम लोग हैदराबाद की फेमस टूरिस्ट एंड हिस्टोरिकल प्लेस में से ही एक चमाला पैलेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। विजिटिंग टाइम से 10 AM टू 5 PM और फोटोज़ वगैरह के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अंदर जाते ही हमको एक स्टूडियो दिखा जहाँ पे आप लोग नवाब और बेगम की तरह रेडी होके फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं और एक फ़ोटो का प्राइस है 100 रुपीज़। अब आते हैं, पहले जान लेते हैं चौमाला पैलेस की थोड़ी हिस्ट्री। तो आखिर चौमाला पैलेस है किसका? तो चौमाला पैलेस जो है वो निज़ाम्स का है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये निज़ाम्स कौन थे। तो हैदराबाद के मोस्ट रूल्ड, मतलब वो लोग ज़्यादा समय तक उन लोगों ने ही हैदराबाद पे राज किया था। और इसके अलावा भी उन लोगों ने हैदराबाद में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया, जैसे कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया हॉस्पिटल, सिटी कॉलेज, ये सब निज़ाम्स ने बनवाया था। अब आते हैं चौमाला पैलेस की तरफ। तो आखिर चौमाला पैलेस एक म्यूज़ियम है जहाँ पे निज़ाम्स के यूज़, मतलब जो भी निज़ाम्स ने यूज़ किए थे, जैसे व्हीकल्स हो गया और उनके होम एसेंशियल्स जो भी उन लोगों ने यूज़ किए हैं, वहाँ पे उन लोगों, मतलब डिस्प्ले किए गए हैं। अब आते हैं पैलेस के आर्किटेक्चर की तरफ। काफ़ी ही ज़्यादा सुंदर और रॉयल तरीके से बनाया गया है एक एक चीज़ की, मतलब इतनी सुंदर तरीके से, मतलब उनका आर्किटेक्चर, और काफ़ी ज़्यादा मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा लगा। एंड मतलब मैं स्पीचलेस हूँ, मुझे इतना सुंदर लगा। और म्यूज़ियम में ऑफकोर्स, मतलब जो भी उन लोगों ने वार में और जो भी व्हीकल्स यूज़ की, वही सब कुछ है, उससे एक्स्ट्रा और कुछ है नहीं। बस एक चीज़ है कि कैंटीन उन लोगों को रखना चाहिए अंदर, बाकी सब ठीक है। और आप लोग देख ही सकते हैं कि चौमाला पैलेस कितना ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है दिखने में। और वहाँ पे आप लोग निज़ाम्स के जनरेशन के पिक्चर्स भी देख सकते हैं एंड उनके बारे में पढ़ सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। अगर आप लोगों को उनकी हिस्ट्री नहीं पता है तो ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में भी निज़ाम्स के बारे में पूछा जाता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।